17तम प्रवासी भारतीय दिवस 2023 रो उद्यापन समारोह रे राष्ट्रपति ओ केंद्र मंत्री प्रवासी भारतीय माने विदेश रे भारतीय संस्कृति को देइछंती नूतन परिचय कहिले राष्ट्रपति। एकदा भारत थिला विश्वगुरु, मिलित भावरे भारत को एक दायित्ववान देश भावरे गढ़ी तोलिबाकु केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आह्वान। 17तम प्रवासी भारतीय सम्मेलन उद्यापन दिवस रे आज जोगदे प्रवासी को संबोधित करिछंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। विदेश रे रही मध्य देशर विकास दिगरे थिबा सेमानकर अवदान को भूरी भूरी प्रशंसा करिछंती राष्ट्रपति मुर्मू। द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स सिंबलाइज द नेशन्स हाईएस्ट रिकॉग्निशन ऑफ द डायस्पोरा मेंबर्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशंस टू इंडिया एंड इन देयर होम कंट्रीज। दीज अवार्ड्स आर सिग्निफिकेंट एज दे नॉट ओनली शो आर अप्रिसिएशन एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द प्रवासीज बट ऑल्सो रिफ्लेक्ट आवर फेथ इन देयर रिजल्व टू कीप इंडियाज फ्लैग flying high in the world। एकदा भारत विश्वगुरु थिला, सामरिक शक्ति दृष्टि नुहे बरं बौद्धिक दृष्टि मध्य। एबे नूतन कौशल पद्धति रे आमे आम देश रे एक दक्ष नेटवर्क सृष्टि करबाकु कल्पना करछु। प्रवासी भारतीय हेउचंती भारतीय सभ्यतार अविच्छेद्य अंग, सेमाने मानवतार सेवा पई आगे आसंतु बोली प्रवासी भारतीय सम्मेलन रे कहिछंती केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी वर द लीडर ऑफ द एंटायर ह्यूमैनिटी, नॉट एज ए मिलिट्री पावर बट एज ए इंटेलेक्चुअल लीडर। दैट फॉर दैट ए वेरी पॉपुलर कंसेप्ट, ये हम सब मानते हैं। भारत कभी विश्व गुरु के स्थान पे था। हम जब भारत को विश्व गुरु की वर्णन करते हैं, हमारा कल्पना यह कभी नहीं रहता है कि हम एक मिलिट्री पावर बनेंगे। इस सम्मेलन रे कुवैत और मॉरिशियस एवं विभिन्न राष्ट्र रहुतिबा प्रवासी भारतीयों का सह केंद्र मंत्री श्री प्रधान व्यक्तिगत साक्षात सह आलोचना करथिले। उद्यापनी समारोह रे मध्य प्रदेश रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर, केंद्र एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य योगदान करथिले। ब्यूरो रिपोर्ट, आगश न्यूज़।